तो अब शहरों में भी रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी, रोजगार की गारंटी दी जाएगी शहरों में बेरोजगारों के लिए। किस तरीके से दी जाएगी, क्या प्रोसेस होने वाला है, उस पर सरकार मंथन कर रही है। बहुत जल्द एक रोजगार गारंटी जो है एक नई योजना के माध्यम से शहरों को मिल शहरी बेरोजगारों को मिल सकती है। तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो पर बने रहिए और जो भी कोई नई अपडेट, जो भी कोई नई जानकारी आएगी, सबसे पहले घर बैठे आप तक आपके मोबाइल पर पहुंचा दी जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऊपर आर पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे पहले घर बैठे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आइए वीडियो को और डिटेल से जानते हैं। शहरों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक रोजगार गारंटी योजना की सिफारिश की है प्रधानमंत्री से। जो है आर्थिक, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने शहरों में बढ़ते हुए बेरोजगार को देखते हुए सरकार से एक अपील की है कि जिस तरीके से गांव में रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस तरीके से शहरी बेरोजगारों के लिए भी रोजगार योजनाएं चलाई जाएं। इस पर सरकार की ओर से विचार किया जाएगा और आने वाले समय में बहुत जल्द एक ऐसी योजना आ सकती है जिसके माध्यम से शहरों में रोजगार गारंटी जो है बेरोजगारों को दी जाए। जिस तरीके से गांव में मनरेगा चल रही है और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से लोगों को जो है एक रोजगार दिया जाता है, एक निश्चित दिन के लिए रोजगार दिया जाता है, ऐसे ही शहरों में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक बयान में एक अपील की है कि जिस तरीके से गांव में आप जो है रोजगार प्रदान कराते हैं, उसी तरीके से शहरों में भी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराइए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सरकार को शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने का सुझाव दिया है। परिषद ने देश में आय में असमानता को कम करने के लिए एक समान बुनियादी आय योजना पेश करने के साथ ही सामाजिक क्षेत्र के लिए ज्यादा धन आवंटित करने की सिफारिश सरकार से की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक PM की रिपोर्ट भारत में असमानता की स्थिति को प्रतिस्पर्धा संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन ने तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को शहरों में भी पेश किया जाना चाहिए। खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंब की भागीदारी दर के बीच के अंतर को देखते हुए मनरेगा जैसी योजनाओं को शहरों में पेश किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आय मिल सके और लोगों की न्यूनतम आय बढ़ना और समान बुनियादी आय शुरू करना कुछ ऐसी सिफारिशें हैं जो श्रम क्षेत्र में आय के अंतर को कम कर सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र के में जो है खर्च ज़्यादा करे सरकार। आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सबसे जरूरी है कि सरकार को सामाजिक क्षेत्र में जो है खर्च को ज़्यादा आवंटन करना चाहिए, ताकि सबसे कमजोर आबादी को अचानक किसी झटके से निपटने के लिए जुझारू रूप से तैयार किया जा सके, उसको बनाया जा सके और उन्हें गरीबी में जाने से रोका जा सके। ESCPM के मुताबिक यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू विशेषताओं और श्रम बाजार के क्षेत्रों में असमानताओं पर जमा जानकारी के पर तैयार की गई है। तो सरकार की जो आर्थिक सलाहकार है, उसने एक अपील की है सरकार से रोजगार गारंटी योजना लाने की। अब अगर मैं आपको बताऊं बेरोजगारी दर, तो देखिए मार्च के आंकड़ों के मुताबिक बीच मार्च में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा थी, 26.7% थी। उसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर था 25%, जम्मू कश्मीर भी दूसरे नंबर पर, बिहार में 14.4%, त्रिपुरा में 14.1%, पश्चिम बंगाल में 5.6%। अप्रैल 2021 में कुल बेरोजगारी की दर 7.97% थी, पिछले साल मई में यह 11.84% थी, उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। मार्च 2022 में कर्नाटक गुजरात में बेरोजगारी की दर सबसे कम 1.8% थी। तो कुछ इस तरीके की जानकारी मैंने आपको दी है। सरकार बहुत जल्द एक ऐसी योजना लाने वाली जिसमें शहरी बेरोजगारों को एक रोजगार की गारंटी दी जा सके। साथियों, जैसे ही इस पर कोई नई जानकारी, नई अपडेट आएगी, सबसे पहले घर बैठे आप तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वह इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच जाए, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।